सतना। कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा भाजपा प्रदेश के उद्योग धंधों को चौपट करने में लगी है। सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा वर्तमान भाजपा सरकार कांग्रेस द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगाए गए उद्योग धंधों को एयरपोर्ट स्टेशनों को बेचने का कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है, भाजपा का भविष्य खत्म होने वाला है। हमारी संवाददाता रंजना विश्वकर्मा ने उनसे कई मुद्दों पर बात की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो इस समय हम लोग चित्रकूट में हैं और हमारे साथ हैं नीलांशु भैया, यहाँ के विधायक जी हैं और पहले भी दो बार विधायक रह चुके हैं। तो नीलांशु भैया से हमारा कुछ प्रश्न है, हम उनसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या आप भाजपा की क्या भविष्य देखते हैं? भाजपा का भविष्य खत्म है, भारतीय जनता पार्टी को भविष्य नहीं है। भविष्य इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन्होंने जो चीज़ें करनी चाहिए थी वो की नहीं। अभी अभी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, नई नई योजनाएं आ रही, कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 150 सीट के साथ कमलनाथ जी की सरकार बन रही, युवाओं को रोजगार मिलेगा, नए नए अवसर मिलेंगे, गैस का सिलेंडर 400 रुपये मिलेगा, 100 यूनिट बिजली का बिल मुफ्त रहेगा, किसानों का 5 हाथ पावर का जो कनेक्शन है वो मुफ्त रहेगा, हर महिला को नारी सम्मान के माध्यम से 1500 रुपये मिलेगा, पुरानी पेंशन लागू होगी और 100 यूनिट बिल 200 यूनिट बिजली का बिल भी माफ रहेगा, ये सारी योजनाएं लेकिन, और किसान का कर्जा भी माफ रहेगा, ये सारी योजनाएं लेकिन महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं धीरे धीरे कांग्रेस की जाएंगी। जो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हैं उनका विशेष निर्देश विशेष हृदय से उनका प्रयास रहता है कि अपने यहाँ की महिलाएं सशक्त बने, स्ट्रांग बने और अपनी लड़ाई लड़ सकें। जो जो योजनाएं हैं ये महिलाओं के लिए है कि एक महिला को जब हर महीने 1500 रुपये मिलेगा, जो 1000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है वो 500 रुपये मिलेगा, महिला सशक्त होगी, महिला को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बहनों को मिलेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जो बहनें पूरे क्षेत्र की ऐसे 90% से ऊपर लाए तो उनको हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे मोबाइल देने का काम किया, प्रोत्साहन करेंगे। सरकार आएगी, 20 साल से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस बार उनका वनवास तय है, रोज रोज ये शिवराज जी घोषणाएं कर रहे हैं, करीबन 36,000 घोषणाएं पहले से हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई है। चित्रकूट की बहुत सारी घोषणाएं हैं, चाहे मधुबुआ में नगर पंचायत बनाने की बात रही हो, चाहे बरौधा में तहसील भवन बनाने की बात रही हो, चाहे चित्रकूट के 84 कोस में राम पथ बनाने की बात रही हो, किसी भी योजना के नहीं हुआ, ऐसे एक चित्रकूट की बात है। पूरे प्रदेश में ऐसे लाखों लाख घोषणाएं हैं, उनको घोषणा करते रहते हैं, उनका काम रहता है। देखिए MP में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, UP में भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ की सड़क देख लो आप, UP की सड़क देख लो, यहाँ पे विकास नहीं है क्या? और आप छत्तीसगढ़ की सड़क देखो जहाँ हमारे कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान की सड़क देखो, यही लोगों का रुचि नहीं है। ये लोग सिर्फ 50% कमीशन में काम करते हैं, सरकार नीचे से ऊपर तक करप्शन से भरी हुई है, इसलिए इनकी रुचि नहीं है। इनको इतना इनकार हो गया है 20 साल से सत्ता में, इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि हम लच्छेदार भाषण देंगे, नई नई घोषणाएं करेंगे, हमारी बहनों को कहेंगे लाडली बहना, फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे लाडला जीजा, पता नहीं क्या क्या ले आएंगे, युवा बेरोजगार है, सब बड़ा बुरा हाल है। अब जो और जो चीज़ें कांग्रेस ने खड़ी करी थी, चाहे वो भेल हो, चाहे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, उनको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारी चीज़ें दे रही है, चाहे उद्योग हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो। रेलवे में पहले नौकरी निकलती थी वो बंद हो गई, सेना में निकलती थी वो अग्निवीर हो गई, कहाँ जाए हिंदुस्तान का आदमी, कहाँ जाए लोग। चंद्रमा में तभी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे राकेश शर्मा जी पहुंच गए थे, लेकिन उसका हाईलाइट नहीं हो गया था, अभी पहुंचा है चंद्रयान तो ऐसे उसको प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि पहली बार गया, और राकेश शर्मा जी जब गए थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब उनसे पूछा था कि वहां से हिंदुस्तान कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये चीज़ें हैं, ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, देश में उन्माद फैला रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता मध्य प्रदेश के लोग समझ गए हैं कि अब हमको क्या करना है, हमको किस दिशा में जाना है। इन्होंने कहा अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, तो इससे ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा बजट आएगा और इससे हमारे देश का बहुत ज्यादा विकास होगा, तो इसमें ये लॉन्च जो हुआ है आदित्य, उसके पहले चंद्रयान लॉन्च हुआ, इसमें जितने हमारे युवा साथी थे उसमें हमारा चित्रकूट का एक बच्चा है, एक रहगांव क्षेत्र का, और हमारे सतना जिले के दो बच्चों का भी वैज्ञानिक थे उसमें,
उन लोगों की मेहनत है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये प्रोपोगंडा नहीं करना चाहिए कि हमने उस चीज़ को किया। पहले भी चीज़ें होती थी, उनकी अथक मेहनत है। हम लोग उनको नतमस्तक है, उन वैज्ञानिकों को, उन बच्चों को, जो भी वैज्ञानिक वहाँ के लिए, तो निश्चित तौर पर ये देश के लिए अच्छी चीज़ें हैं कि हमारा वैज्ञानिक हमारे। आप प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं, तो आप यहाँ चित्रकूट के लिए आप क्या क्या काम किए हैं? चित्रकूट के लिए देखिए, मैंने बता चुका हूँ मैं उनको, चित्रकूट में जो दो तीन बांध बने हैं, माता कचार साइड में बांध का काम शुरू हो गया है। अंदर की रोड बनानी थी 15 करोड़ रुपए से, एक टेंडर था, लेकिन सरकार गिर गई, सिर्फ 2 चौराहे बना पाए, उसके बाद रोड नहीं बन पाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, गोदावरी का डेवलपमेंट था, अनसुईया का डेवलपमेंट था, पूरे वाले थे ताकि युवाओं को रोजगार मिल जाता, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। कामतानाथ भोलेनाथ पूरा कराएंगे, कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आएगी, जो चीज़ें रह गई वो सारा पूरा होगा। युवा के मन में जो सपना है, उस सपने को पूरा करने का संकल्प, माताओं बहनों के दिल में जो सपना है, उस दिल सपने को पूरा करने का संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। आप अभी हमारे यूपी न्यूज चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस के साथ है, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रेम सद्भाव के साथ देश को आगे ले जाने का काम करें। महंगाई ने देश की हालत खराब कर दी है, चाहे मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, इसलिए कांग्रेस के साथ प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें और कांग्रेस की पूरे देश में सरकार बनाने का काम करें। यूपी न्यूज में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत